ये तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर सनसनी फैला रखी है। महिला पुलिस जिस शख्स पर बंदूक ताने हैं वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि एसपी हैं। दरअसल पूर्वी चंपारण के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष जिले की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के लिए इन दिनों अलग अलग थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह आधी रात मोतिहारी के लखौरा थाना पहुंचे, वो भी सिविल ड्रेस में और अकेले, ना कोई संतरी और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। एसपी साहब जब रात करीब 12 बजे लखौरा थाना पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात महिला संतरी आकृति कुमारी उन्हें नहीं पहचान सकी और उन्हें थाने में अंदर आने से रोक दिया, लेकिन एसपी साहब नहीं रुके। फिर क्या था, महिला कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए एसपी साहब पर राइफल तान दी और आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी दे डाली। इसके बाद एसपी साहब कोड वर्ड में महिला सिपाही से कुछ बोलते हैं, जिसे सुनते ही महिला सिपाही सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई और आगे बढ़ने को कहा, जिसके बाद एसपी साहब थाने के अंदर आ सके। रात में थाने पर संतरी के तौर पर तैनात महिला पुलिसकर्मी आकृति कुमारी के इस दिलेरी, बहादुरी, जज्बे और कर्तव्य निष्ठा को देख एसपी साहब भी गदगद हो गए। 500 रुपए का इनाम तुमको दिया गया था, ऐसे ही अटेंटिव रहो, बढ़िया से ड्यूटी करो। पहली नजर में ये कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन ये फिल्मी नहीं, एक महिला सिपाही की दिलेरी, बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा की सच्ची कहानी है, जिसे उसने अपनी चट्टानी इरादों और बुलंद हौसले से हकीकत में लिखी है और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएडी न्यूज़। मुख्यालय के निर्देश में और लगातार हम लोग रात्रि गश्ती चेकिंग करते हैं और इसमें जो है विभिन्न थानों में भी जाकर के कहां पर गश्ती की लोकेशन है, थाना कैसे काम कर रहा है, हाजत में कोई बंदी तो नहीं बंद है, क्या सुरक्षा के हैं, संतरी की क्या ड्यूटी, ये सारी चीजें चेक करते रहते हैं। अभी लखौरा थाने में आए हैं, यहाँ पर व्यवस्था अच्छी दिखी है। संतरी को हमने पुरस्कृत भी करने की घोषणा करी है और कुछ अव्यवस्था दिखी जिसके बारे में थानाध्यक्ष को कहा गया है, डायरी 24 घंटे लंबित पाई गई है, जिस पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। गश्ती की लोकेशन मिली गाजा गद्दी चौक में, वो है वहां पर और हम लोग आगे भी देख रहे हैं। अच्छी बोले थे ना कि पति दिन अरेस्टिंग होना चाहिए। कितना पासपोर्ट अभी लंबित है तुम्हारे? हमारे यहाँ पासपोर्ट 6 या 7 वर्ष लंबित, वो काम नहीं करने के कारण सर लंबित है, तो सूची लगाओ ना सर।